वसुधैव कुटुंबकम का नारा देकर दो दिनों तक G20 की अध्यक्षता करने वाली केंद्र सरकार अब तुरंत वापस उसी काम में लग गई है जिससे वह 2024 का ताज अपने सर कर सके, यानी पूरे देश के विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की बौछार कर 2024 चुनाव से पहले अपना दबदबा बनाया जा सके, जिसके लिए एक बार फिर बंगाल की सबसे खूबसूरत लोकसभा सांसद को ईडी द्वारा समन भेजा गया है। यानी 42 सीटों वाले भारी भरकम प्रदेश बंगाल में मोदी सरकार अभी से खेला करने की फिराक में है, जिसके लिए उन्होंने अभी से दाव चलने भी शुरू कर दिए हैं। तो 2019 में बंगाल में 18 लोकसभा सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए क्या गुणा भाग लगा रही है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। बताओ कौन सी सूरत है उनसे मिलने की, ना उस तरफ उन्हें फुर्सत है ना हम इधर खाली। माधव राम जौहर का ये शेर आज की इस खबर पर एकदम सटीक बैठता है, जहां ईडी ने एक बार फिर से टीएमसी सांसद और बंगाल फिल्म अभिनेत्री नुसरत जहां को अपने ईडी दफ्तर बुलाया है, जो कि विपक्ष के एक साथ आने पर ना तो अब विपक्षी अलायंस इंडिया बिल्कुल फुर्सत में है और ना ही मोदी सरकार भी खाली है, क्योंकि वह लगातार ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जैसी तमाम केंद्रीय एजेंसियों को काम पर लगाने में लगी हुई है। हम आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि कैसे 2024 से पहले विपक्ष के कई मंत्री, यहां तक कि मुख्यमंत्री ईडी सीबीआई और सीआईडी जैसी जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल, जो तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी का गढ़ है, वहां भी बीजेपी 2024 से पहले खेला करने की पूरी तैयारी में है। दरअसल पश्चिम बंगाल में बशीरहाट की सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां को कोलकाता के ईडी दफ्तर में फ्लैट देने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी मामले में तलब किया गया है, जहां आज सुबह 10 बजे ही नुसरत ईडी के दफ्तर पहुंची। आपको बता दें कि सेवन सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी पर 23 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है, जहां इस कथित धोखाधड़ी के समय कंपनी की डायरेक्टर नुसरत जहां थी, इसलिए ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। अब आपको यह भी बताते चले कि इस साल अगस्त में जब सेवन सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, तो नुसरत जहां का नाम सामने आया था। उनके पति यश दास गुप्ता ने तब विश्वास जताया था कि उनकी पत्नी को ईडी कभी भी तलब नहीं करेगी, क्योंकि उनके खिलाफ आरोपों में कोई दम नहीं है। दास गुप्ता ने 5 अगस्त को भी कहा था कि करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं और मुझे यकीन है कि ईडी उन्हें नहीं बुलाएगी, लेकिन ईडी ने नुसरत जहां को बुलाकर ये साबित कर दिया है कि वह विपक्षी नेताओं पर पूर्ण कार्रवाई से नहीं चूकती। अब अगर आप इन सभी घटनाओं को महज सरकारी कार्रवाई के तौर पर देख रहे हैं तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 से पहले ऐसे तमाम हथकंडे और तिगड़मबाजी लगा रही है जिससे उन्हें लोकसभा में जीत हासिल हो सके। आंध्र प्रदेश में पूर्व सीएम और तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार करना, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा चौथा नोटिस भेजना, एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ से लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के करीबियों पर छापेमारी करना, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के करीबी मंत्री महेश जोशी पर नजर रखना और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को भी नोटिस भेजना, ये सब साफ तौर पर दिखाता है कि मोदी सरकार इन सभी प्रतिष्ठित जांच एजेंसियों को कथित अपनी सरकारी मशीनरी बनाने में उपयोग कर रही है, जिससे बंगाल की सबसे खूबसूरत सांसद को भी लपेटा जा रहा है। बंगाल की 42 में से 18 सीटों पर जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी को पता है कि सिर्फ लोकसभा सीटों से बंगाल में अपना दम भरने वाली बीजेपी का इस बार बंगाल से पूरा सुपड़ा साफ हो सकता है, इसलिए वह अभी से चुनावी हवा को बदलने की कोशिशों में है। बहरहाल आप इस खबर को कैसे देखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।